हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन। वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स.com। तो गाइज, अभी कुछ दिन पहले जो है मैंने रेडमी A.dot का अनबॉक्सिंग वगैरह किया था, और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इसको मैं 5-6 दिन यूज़ करके इसका फुल डिटेल रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो गाइज, वो दिन जो है आ चुका है, फाइनली आज का ही दिन है। आज हम इसका बिल्कुल एक रिव्यू करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को रिव्यू में इसकी साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और जितनी भी सब कुछ होता है वो सब आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो पर आप लोगों को जो है बने रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए मैं फ्री में जो है सब्सक्रिप्शन लेकर आया हूँ मेरे चैनल का। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर देना, सब्सक्राइब हो जाना है, और मैं आपको हर दिन छोड़ के जो है एक बढ़िया बढ़िया सी वीडियो, टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या इसमें मिल जाता है। तो भाई, आपको सिंपल सा ये कार्टेज का बॉक्स मिलेगा और कुछ नहीं, पूरा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद आपको इसके में जो है डायरेक्टली एक AirDot जो इसका केस है वो मिल जाएगा, और इसके अंदर जो है आपको AirDots मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे बढ़िया ब्लैक से कलर का ये बॉक्स है। उसके बाद आपको एक लाइक एक्स्ट्रा पेयर जो है, दो एक्स्ट्रा पेयर्स ईयर टिप्स के मिलेंगे अलग अलग साइजेस के। उसके बाद आपको इसमें कुछ USB केबल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ये तीन चीज़ आपको मिलेगी। तो ये थे इसके बॉक्स के अंदर की चीज़। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिज़ाइन की। तो इस तरीके का जो है केस हमें देखने को मिलता है, और ये केस ब्लैक कलर में है, तो जो हमें बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है बजट में। उसके साथ साथ ये जो है दो हमें ईयरबड्स जिसमें देखने को मिलते हैं, इन ईयरबड्स का जो है कलर वो भी ब्लैक है, लेकिन इस ईयरबड की जो मुझे खासियत लगी है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। जब आप इसको ईयर में लगाते हो तो आपको जो है ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो एक जगह दिक्कत लगी है वो ये है कि इसमें आपको जो है फिज़िकल बटन मिलेगा। अगर ये फिज़िकल बटन नहीं होता, टच पैड टाइप का कुछ होता तो ज़्यादा बेहतर होता। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको कान में लगाते हैं और बटन प्रेस करते हैं तो आपके कान में जो है वो थोड़ा प्रेशर आप फील करेंगे, तो वो चीज़ जो है मुझे अनॉय लगी है। अब कई लोगों को नहीं लगेगी, बट मुझे थोड़ी बहुत जो है अनॉय लगी है। उसके साथ साथ इसका जो बैक, जो इसका केस है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक इसमें जो है आपको अच्छा खासा बैकअप मिल जाता है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इसका जो कवर है वो थोड़ा थिन मुझे लगा है, तो ऐसे लोग जो रफ़ यूज़र हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रफ़ यूज़ करते हैं, तो इसको जो थोड़ा बहुत उनको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया मुझे लगी है। तो गाइस, आप बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो इसका जो चार्जिंग केस है इसमें आपको 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसका जो ईयरबड है इसके अंदर आपको 30 mAh की बैटरी मिलती है। अब अगर मैं बात करूँ रियल टाइम उसके बैटरी बैकअप की, तो आपका जो ईयरबड है वो कम से कम आपको 3 से 3.5 घंटे तक का म्यूज़िक प्लेबैक टाइम दे देता है आराम से। डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हो। अगर आप 80% तक सुन रहे हो तो आप आराम से 3.5 घंटे से ज़्यादा ही देगा। अगर आप फुल वॉल्यूम में सुन रहे हो तो 3 घंटे तक का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका जो चार्जिंग केस है ये कम से कम जो है 2.5 से 3 बार जो है इसको चार्ज कर देगा आराम से, तो इसका चार्जिंग केस की कैपेबिलिटी भी बढ़िया है। और अगर मैं चार्जिंग टाइम बताऊं कि ईयरबड को ये कितनी देर में चार्ज करता है, तो उसका चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कम है कंपेयर टू बाकी के जो है नॉइस वगैरह के मैंने सुने हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन ये जो है 1.5 से 2 घंटे में, लाइक 1.5 घंटे में ही जो है फुल चार्ज कर देता है। तो बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बैलेंस लगा है, ना आपको इसमें ज़्यादा बेस मिलता है, ना आपको इसमें ज़्यादा ट्रबल मिलता है, बिल्कुल बैलेंस जो है साउंड आपको इसमें मिल जाता है। साउंड क्लैरिटी जो है इसकी काफ़ी बढ़िया है, लाइक आपको हर एक बीट जो है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो इसमें बजता है, म्यूज़िक में बजता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको बेस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, बेस ही उनको अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए ये ईयरफोन्स नहीं है, क्योंकि ये बेस आपको उस लेवल का नहीं देंगे। लेकिन ऐसे लोग जिनको मेलोडी सॉन्ग्स वगैरह सुनना पसंद है थोड़े बहुत अच्छे बेस के साथ, उनके लिए जो ईयरबड्स है काफ़ी परफेक्ट है, आपको पूरी तरीके से साउंड क्लैरिटी जो है ये आपको दे देंगे। तो साउंड क्वालिटी के मामले में भी जो है ये मुझे ठीक ठाक लगा है। अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी की, और इस पॉइंट पर जाके मुझे इन ईयरबड्स ने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट इसलिए किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो ब्लूटूथ की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें जो है मुझे थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइजेशन का इशू लगा है। वो सिंक्रोनाइजेशन का इशू इस तरीके से है कि जब आप इन ईयरडॉट्स को निकालते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले से कनेक्ट होता है, सिंक होता है। उसके बाद अपने फ़ोन में जब आप सर्च करते हैं तो आपको राइट वाला पेयर करने को बोलेगा, और आप जब आप राइट वाले से पेयर करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली जो है पेयर हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, और आप जो है म्यूज़िक एक साथ इन दोनों ईयरबड पर सुन
सुन सकते हैं, लेकिन मैंने जो इशू फेस किया है वो ये है कि जब लेफ्ट वाला ईयरबड है वो राइट वाले से डिसकनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ग्लिच आने लगता है जब आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, तो बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग वो जो फेस मैंने किया है। लेकिन कभी कभी ये इशू ऐसा करता है, लेकिन क्यों करता है, मुझे लगा कि मेरे ही प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो मैंने गूगल पर जाके सर्च किया कि कहीं ये इशू और भी लोग लाइक फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें मैंने ऐसा आंसर पढ़ा कि भाई रेडिट पे बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी डले हुए थे जो ऐसा इशू फेस कर रहे थे कि रेडमी एयरडॉट में जो है लेफ्ट वाला राइट वाले से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है आप लोगों को मुझे बताना बनता ही था कि भाई ये मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन की इशू है वो मैंने इसमें फेस की है। अगर मैं इसके एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की बात करूँ, तो जो आप इसमें बटन देख रहे हैं इसको आप अगर सिंगल बार टैप करते तो आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं और उसके बाद कॉल को भी जो है पिक कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है। अगर आप इसको डबल बार टैप करते हैं इस बटन को, ये दोनों में से कोई भी बटन को, तो आपके जो फ़ोन का जो गूगल असिस्टेंट है या फिर सिरी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आप जो है उसको कमांड दे के कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके की जो है फंक्शनैलिटी हमें ये दे देता है। बाकी ओवरऑल जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, लाइक बिल्ड क्वालिटी, इसकी बैटरी लाइफ, इसका लुक, सब कुछ बढ़िया लगा है। बस थोड़ी बहुत जो है मुझे सिंक्रोनाइजेशन इशू लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग शाउट आउट टू Banggood.com, क्योंकि उन्होंने ये प्रोडक्ट हमें रिव्यू के लिए भेजा। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और Banggood ने स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक स्पेशल एक कूपन कोड दिया है, और वो कूपन कोड भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप उसे जाके यूज़ कर सकते हैं और आपको फ्लैट 40% तक का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप लोग नए हैं और आप लोगों ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, ताकि ऐसी ऑसम वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।